जनता के मन में बैठी चुनाव में धांधली की बात ही बड़ी सफलता। विधायक जनपद बलिया के चितबड़ा गांव में सभी प्रत्याशी लगातार चुनाव में हुए धांधली को लेकर पुनः चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, जिसके पक्ष में अब पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह व वर्तमान विधायक संग्राम सिंह यादव भी मैदान में उतर चुके हैं प्रदर्शन और आंदोलन की चिंगारी बढ़ती जा रही है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, ये बात हर जनता के मन में ही बैठ गई है। सरकार के इशारे पर निकाय चुनाव में हुई है धांधली, सरकार पूरी तरह से है जिम्मेदार, यह सबसे बड़ी सफलता है। हम लोगों के प्रयास का लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत ही बेहद जरूरी है कि पुनः चुनाव कराया जाए। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और तालिबान तरीके को बुलंद करने का प्रयास किया जाएगा तो हम आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। गांधीवादी तरीके से अंग्रेजों के बाद फिर एक बार देश गुलामी के तरफ अग्रेषित हो रहा है। मतलब कुछ दिखाया गया, कुछ अलग बोला गया, कुछ अलग, मतलब ऐसे तमाम मुद्दे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता और प्रशासन पर जो ये सवाल उठा है, क्या हकीकत में इसमें न्याय मिल पाएगा? जब पहले ही उठ चुका है जनता अलग है, सत्ता और प्रशासन एक है, तो क्या इसमें मतलब बहुत एक बड़ा मुद्दा है, कैसे आप लोगों को न्याय मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, बलिया के अन्य सीटों पे भी देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गांधी जी ने हम लोगों को रास्ता दिखाया है और मैं आपसे कहा कि हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए धरना पे बैठे हैं। आप लोगों के वजह से आवाज जनता तक जो पहुंच रही है। आगे आपकी रणनीति क्या होगी अगर कुछ नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, मुझे विश्वास है अपने जनता जनार्दन पे, अपने देश के मतदाताओं पे विश्वास है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये जनता का जनाधार है, ये लोग डकैती नहीं किए हैं मतदाताओं के मतदान का, ये लोग लाठी के बल पे अगर सत्ता का चुनाव नहीं कराए हैं तो इनका प्रत्याशी बोल रहा है कि जनता का जनाधार है, इसे सबको स्वीकार करना चाहिए। जनता का जनाधार आज से पहले भी हमारे नगर में लोगों को मिला है, पूरा नगर स्वीकार किया है। ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि लाठी के दम पे चेयरमैन और मेंबर सभासदों का चुनाव कराया गया है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाजपा प्रत्याशी अगर मानते हैं कि जनता का जनाधार है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो हम लोगों के बीच में आए। मैं उनसे और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी से स्वेच्छा से ये चुनाव हुआ है तो बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम लोगों के बीच में आए, स्वेच्छा से इस्तीफा दे और पुनः चुनाव कराए। और चुनाव में अगर हम लोग हार जाते हैं तो चुनाव का पूरा खर्च हम लोग गाँव के लोगों से चंदा मांग के देंगे। अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो चुनाव के पूरे खर्च को देंगे और आजीवन राजनीति से इस्तीफा देने का काम करेंगे। और हम चुनाव हम लोग हार जाते हैं तो हम लोग पूरा चुनाव का खर्च वहन करेंगे और आजीवन राजनीति से इस्तीफा देकर हम लोग आजीवन राजनीति नहीं करेंगे, इसको त्याग कर देंगे। मेरा नाम ब्रिज कुमार सिंह है, मैं नगर पंचायत में हुए अध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था। क्या कहेंगे, किस प्रकार का अनशन है और क्या समस्या आ पड़ी है? यह समस्या ऐसी है जो पहले कभी देखी नहीं गई थी मेरे जीवन में, तो ऐसी चीज मैंने नहीं देखा था। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद मतगणना हो रही थी, मतगणना में जो प्रत्याशी और जो एजेंट उस मतगणना को देख रहे थे उसी के लिए वो नियुक्त किए गए थे, जब उन्होंने खाली में पेटी देखा तो उनको आश्चर्य हुआ, हतप्रभ होकर उन्होंने पूछा, इसका विरोध किया, तो लोगों ने कहा कि भाई भूल हो गई है, खाली पेटी वहां पड़ी हुई थी, ये नील लिखा हुआ है, ठीक है भाई दूसरी पेटी मंगाइए। दूसरी पेटी मंगाई गई, उसका सील टूटा हुआ था और वह भी खाली थी। उसके बाद अब ये आग बबूला होके लोग कहने लगे कि ये गलत हो रहा है, चुनाव में धांधली हो रही, बात सही थी। उस पर अब प्रशासन ने उनकी बात सुनने के बजाय, उनको समाधान देने के बजाय, उसका स्पष्टीकरण देने के बजाय बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया, जिसमें हमारे ये डब्बू सिंह जो बैठे हुए प्रत्याशी हैं,
वो घायल हो गए, छोटे सिंह घायल हो गए, प्रमोद पांडे घायल हो गए, शशकला तिवारी जी महिला है उनको भी चोट लगी, वो भी प्रत्याशी थी। ये सारी चीजें हुई और जैसे हंगामा खड़ा हो गया, आप लोगों की भी उपस्थिति वहां हुई जहां सारी बात कही गई, लेकिन उस चुनाव प्रक्रिया जो मतगणना की प्रक्रिया है उसको सुधारने के बजाय और उग्र होकर के और उसमें उन्होंने धांधली की। क्या आप को लगता है कि सत्ता धारी के आगे आप लोगों का जो क्रमिक अनशन है भारी पड़ेगा, न्याय मिल पाएगा? देखिए अनशन हम भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, जनता सब पर भारी है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्थिति में तो जनता के ऊपर भी भारी सत्ता पड़ गई है। देखिए ये कहने को पड़ गई है, इससे कुछ नहीं होता है, हमारी सर्वोच्च सत्ता जो है संविधान ने जनता में ही निहित किया है क्योंकि सावरेंटी जो है पीपल में वेस्ट करती है, हमारे संविधान ने दिया है और हम चाहे कितना बड़ा ताकतवर क्यों न बन जाए लेकिन लोकतंत्र में अगर हम लोकतंत्र के रण में हैं तो हम जनता के आगे एक निरीह व्यक्ति की तरह से हैं और जनता जो निर्णय देती है वही सर्वमान्य होता है। अगर आप मांग करते हैं पुनः हम यहाँ मतदान कराने की मांग करते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आपके आगे रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति होगी, अभी हम गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, हमारा आज क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा और अंतिम दिन होगा। कल हम यह तय करेंगे कि अगली रणनीति हमारी क्या होगी इस अनशन की और कहां हमारी लड़ाई जाएगी, किस रूप में हम संघर्ष करेंगे क्योंकि हम उग्र नहीं हो सकते। हम सत्ता से लाठी डंडे गोली बंदूक से लड़ने के आदि नहीं है, हम अहिंसक लोग हैं, हिंसा में विश्वास नहीं करने वाले हैं, हम लोग गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हम कभी भी शासन सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण आक्रामक नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम यह बताना चाहते हैं कि जनता जो चाहती है वह होगा, हम जो चाहते हैं वह नहीं होगा, वह गलत है और जनता की भावनाओं पर चोट की गई है। जनता ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान किया, मतगणना में आपने हेर फेर करके और किसी को जिताने के लिए आपने काम किया, यह गलत है, इसका विरोध किया जा रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, यह विरोध जारी रहेगा और जनता भी इस बात को मान रही है। देखिए वो क्या करते हैं वो क्या सोचते हैं इसमें मतलब नहीं है, जनता जो हम कह रहे हैं जनता जो हम कर रहे हैं उसको मान रही है, जनता उस पर ही मुहर लगा रही कि सही हो रहा है और ये सही हो रहा है इसलिए नहीं कि हम अनशन कर रहे हैं, गलत हुआ है इसका विरोध हो रहा है, सही हो रहा है। क्या कहेंगे जहाँ भी अत्याचार होगा जिसके साथ भी होगा समाजवादी पार्टी वहाँ खड़ी रहेगी आंदोलनकारियों के साथ, और यहाँ तो जिससे न्याय की उम्मीद है वही लूट लिया है, घमंड में चूर है कुछ लोग जो जानते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने परिवर्तन करा लिया, उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पूरे जनपद को पता है कि हाँ चेयरमैन कुछ कोई और हो रहा था और लूट करके दूसरे को बना दिया, इसलिए ये जैसा विधायक जी ने कहा पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इस आंदोलन के साथ है, हम लोग जैसे आंदोलनकारी जो जैसे कहेंगे वैसे हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई करेंगे। अब तो परिणाम आ गया है चुनाव का और तमाम कह रहे हैं कि हमें जनाधार की वजह से हम चुनाव जीते हैं, तो इस जनाधार की वजह से चुनाव जीते हैं या ये तो आप लोगों को पता था, वही आपने देखा था कि कोई भी सरकार रही हो इसके पहले अगर कोई प्रत्याशी कोई आवाज़ उठाता था तो उसके न्याय के लिए वहाँ उसको बैठा के उसको संतुष्ट किया जाता था, कि पहली बार ऐसा हुआ कि तो डीएमएस में घुस कर सबको मार के भगा देते हैं, हमारे जो प्रत्याशी थे उनको मारा गया, आपने देखा वहीं सारे पत्रकारों ने दिखाया, हम लोगों ने देखा उसको क्योंकि अंदर हम तो लोग नहीं थे लेकिन हमारे साथियों को मारा गया और मार के भगा दिया गया, उसके बाद जो क्या घोषणा कर लें, जब बक्से में वोट नहीं था तो उसका जस्टिफाई करना चाहिए था ना कि वोट गया कहाँ, जब यहाँ से वोट डाल करके हर बक्से में गया तो वोट आखिर कहाँ चला गया, सारे बक्सों के सील टूटे कैसे थे, तो पूरी तरह से चितवड़ा गांव में तो पूरी तरह से पूरे रिजल्ट को परिवर्तित कराया गया है और घमंड से वो जो लोग कराए हैं वो कह भी रहे हैं कि हम लोग जिसको चाहते थे जीता लिए। किसके प्रभाव में हुआ विधायक द्वारा इस जो चुनाव को आपके द्वारा आगे उठाने के मतलब की उठाया जा सकता है क्या? आगे विधानसभा चलेगी तो विधानसभा में उठाने का काम हम लोग करेंगे,
इसको निश्चित रूप से ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। हमारे आंदोलनकारी यहाँ करेंगे सड़क पर, और सड़क से सदन तक इसको निश्चित रूप से उठाया जाएगा। और आप देखेंगे, और जनता को जिस तरह से डराया जा रहा है, जनता के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जनता के मनोबल को जगाने का काम हम लोग करेंगे, और आइंदा इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए लड़ना भी बहुत आवश्यक है। अपने आंदोलनकारियों से हम लोगों ने कहा, आपका हर स्तर पर आपके साथ रहने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, पूरी पार्टी आपके साथ। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली सफलता तो यही कि पूरी जनता के मन में ये बैठ गया कि ये चोरी हुई है, ये सफलता ही है बहुत बड़ी। ये किसके प्रभाव में चोरी किया गया है? सरकार शामिल है, सरकार नहीं शामिल होती, कोई एक आदमी हो और सरकार उसमें शामिल न होती तो हम कहते हैं फलाने आदमी की वाला है। सरकार ने पूरा इसमें शामिल होगी, सरकार तो मैं एक आदमी को क्या कहूँ। सरकार अगर कोई एक आदमी होता ही अगर एक आदमी विपक्ष में बोलता तब न माना जाता कि ये नहीं थे, पूरी सरकार शामिल है। वही उसमें एक आदमी बोलता आपके सामने आके, हमारे प्रत्याशी सारी बात बताएंगे, इनके ऊपर बीती है वो बताया इन्होंने, और पूरे जनपद ने देखा भी, क्योंकि आप ही मीडिया साथियों आपने दिखाया इसको। हम लोग आपको आपके आभारी, आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे मीडिया के लोगों ने दिखाया इसको। हमारे ब्रज कुमार जी और डब्बू जी सीधे सीधे जो कह रहे थे, और पुलिस इस तरह से मार रही थी लोगों को, ऐसा थोड़ा होता है। कोई अंग्रेजों का राज तो है नहीं, राज तो ये हमारे है, हमारी जनता का है। तो आप इनकी बात सुनते ना, प्रत्याशी की बात सुनते और उसको जस्टिफाई करते, जस्टिफाई ना करके मार के भगा दिया गया। तो अभी आप मानते हैं कि जनता का राज है, और जनता का राज होता तो जनता का राज होता, अंग्रेजों से बदतर है हम लोग कह रहे हैं। आप जनता का सुन रहे हैं, एक बार अंग्रेजों ने लूटा इस गांव को, एक बार भाजपा ने लूटी इस गांव को। धरने में बैठे हुए हैं, आप आए हैं, क्या निर्णय होगा, क्या क्या है आगे की रणनीति क्या होगी? पूर्ण रूप से आंदोलनकारियों के साथ हैं हम लोग, समाजवादी पार्टी पूरा, और वोट लूटने वालों के खिलाफ न्यायप्रिय लड़ाई हम लोग खड़ा करना चाहते हैं। और यहाँ की जनता में जो आक्रोश है, और अगल बगल के गांवों में, पूरे इस तहसील में और ज़िले में जो यह दहशत का माहौल बनाकर वोट लूटा गया है, खाली बक्से मिले, आप लोग सब कुछ देख चुके हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को मंजिल तक ले जाना हम लोग का उद्देश्य है। पहली मंजिल वो हासिल हो चुकी है, पूरे जनाक्रोश से लबालब है पूरा ये जिला, और जो वोट भी दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनमें भी भारी आक्रोश है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बलिया जिला एक लोकतांत्रिक जिला था, ये काम नहीं होता था यहाँ, लेकिन ये जो महाराज जी की सरकार है, संत को बड़ा दयालु होना चाहिए, लेकिन संत जनता पर भी बल प्रयोग कराने लगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जनता की दी हुई ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं और करा रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन के साथ हैं। आंदोलनकारी जब तक लड़ाई लड़ना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी इस लड़ाई के साथ। जी जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप लोग समाजवादी पार्टी से, जैसे कि कह रहे हैं कि आंदोलन के साथ है, लेकिन यहीं पर आपका समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पर प्रत्याशी था, एक भी दिन लड़ाई यहाँ धरने पर है और ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको उनके बारे में कुछ बताएं। और वो प्रत्याशी थे, उनके मन को ज़्यादा चोट लगी होगी, हर आदमी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो हो सकता है कहीं चले गए हों, कहीं भ्रमण पर गए हों, कहीं अभी हम नहीं मान सकते हैं कि पुलिस को डराए थे। ये पुलिस के डराने से कौन डरने वाला है, पुलिस के डराने से कौन चोर डरेंगे और कौन डरेगा। आपको लगता है कि आंदोलन सफलता इस सत्ताधारी के सरकार में जो है, जो मतपेटिका खाली मिली है, वो आप लोगों को सफलता मिल पाएगी? अगर जनता साथ देती रहे तो दुनिया की कोई ताकत सफल